हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। कोरोना केस कम होने के बाद देश लॉकडाउन से अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है और इसी के साथ लापरवाही की तस्वीर एक बार फिर से दिखने लगी है। सबसे पहले आपको अयोध्या से आई हैरान कर देने वाली तस्वीर दिखाते हैं। अयोध्या के हनुमानगढ़ी में दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस भीड़ में ना तो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम मानने वाला कोई दिखा और ना ही मास्क की जरूरत किसी ने समझी। इन तस्वीरों को देखकर यही कह सकते हैं कि कोरोना से डरो, भगवान के नाम पर ऐसा मत करो। तो हनुमानगढ़ी अयोध्या की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कितनी ज्यादा संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके मास्क चेहरे से नीचे उतरे हुए हैं, गर्दनों पर हैं, कुछ लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं है और सोशल डिस्टेंसिंग की तो बहुत दूर की बात है। देखिए कितने आपस में सटे सटे एक दूसरे से चिपके लोग खड़े नजर आ रहे हैं। अयोध्या के हनुमानगढ़ी की ये तस्वीरें, जैसे ही अनलॉक हुआ तो लोग किस भारी संख्या में दर्शनों के लिए पहुंचे और देखिए दूर तक आपको लंबी लोगों की कतार नजर आएगी। अनलॉक डे टू की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां ना कोरोना के नियमों का पालन हुआ और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का। इस पे ये तो लोग केवल लापरवाही बरत रहे हैं, लापरवाही के कारण से फिर आगे आने वाले समय में फिर कोरोना महामारी और फैल सकती है। बहुत ज़्यादा संख्या है, दिक्कत एक घंटे से मैं पहुँच जा रहा हूँ। दरकिनार किया जा रहा है, व्यवस्था दुरुस्त है नहीं, व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। तो ये जो भारी संख्या जो आज दर्शन के लिए आई हुई है तो उसमें आप भी खड़े हुए हैं, तो क्या लगता है कि मतलब प्रशासन को उसको दुरुस्त होना चाहिए, पूरा गाइडलाइन का पालन होना चाहिए? हाँ, अगर पार्टी कर दी जाए यहाँ से अंतर आएगा तो ऑटोमेटिक भीड़ कम हो जाती है। मेरी सहयोगी रुचि कुमार इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। रुचि, ये जो तस्वीरें हनुमानगढ़ी से सामने आई हैं बहुत ही डराने वाली हैं। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि कैसे हम थर्ड वेव को रोकेंगे, उससे बचेंगे? जी हाँ बिल्कुल, देखिए सरकार ने अनलॉक कर दिया है, आज सारे यूपी के जिलों को जो कोरोना कर्फ्यू है उसमें खत्म किया जा रहा है, लेकिन बहुत सारा जिम्मेदारी जनता की है कि वो सावधानी बरते, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे, मास्क लगाए। अगर जनता इस तरह से लापरवाही करेगी तो आगे आने वाले दिनों में मुश्किलें हो सकती हैं। तो ये पब्लिक को समझना चाहिए कि भगवान के दर्शन करें, हनुमानगढ़ी जाएं या दूसरे मंदिर जाएं, लेकिन वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन हो। इतनी ज्यादा भीड़ देखकर आदमी को घबराहट होती है, क्योंकि पिछला जो दौर देखा है हमने कोरोना का कि कहीं फिर से हालात ना बिगड़े। तो जितनी सावधानी सरकार कर सकती है, पुलिस कितना पुलिस करेगी, पुलिस कैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराएगी, ये तो जनता को खुद सावधान रहना चाहिए। बिल्कुल रुचि, जिस तरीके से तस्वीरें आ रही हैं वो भी ये बता रही हैं कि लोगों में शायद डर खत्म हो गया है। ऐसे में बीते कल भी इसी तरह की तस्वीरें, आज भी इसी तरह की तस्वीरें। मंदिर प्रशासन की अगर बात की जाए तो अंदर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? मंदिर प्रशासन का ये कहना है कि वो कोशिश कर रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, लेकिन जब भक्त इतनी बड़ी तादाद में आ गए हैं तो उनके पास कुछ इस तरह की व्यवस्था नहीं है कि वो वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग बनवा पाए। तो मंदिर प्रशासन को भी करना चाहिए, इतने सारे भक्तों की भीड़ जहाँ जमा हो रही है उनको अपने वॉलंटियर्स वहाँ लगाने चाहिए, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी जनता की है कि जनता खुद सावधानी बरते और इस तरह के जो दृश्य हमें देखने को मिल रहे हैं वो ना दिखे, लोग दूरी बना के रखें, थोड़ा इंतजार कर ले। जो हनुमानगढ़ी जाने वाली सड़क है काफी पतली सड़क है, वहाँ बहुत ज्यादा धूप भी नहीं होती, तो जनता अगर चाहे तो थोड़ा दूर दूर खड़ी हो सकती है, अपनी बारी का इंतजार कर सकती है। तो शायद ये बेहतर होगा कि जनता अपनी जिम्मेदारी को समझे। बिल्कुल, जिम्मेदारी समझना जरूरी है, नियमों का पालन करना जरूरी है, तभी कोरोना के मामले जो कम आए हैं वो ग्राफ और नीचे जाएगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका रुचि, तमाम जानकारी तमाम अपडेट्स के लिए। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।